इसमें लोगों का भी सहभाग महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा वाहन हम अच्छा मेंटेन करें, नजदीक के काम हम साइकिल से करें, कभी पैदल चले, हर बार गाड़ी निकालना कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लें और उससे करें, और सार्वजनिक यातायात के साधनों से हम प्रवास करें। ये सब हमारे भी काम है। समस्या तो पहले से है, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने पहली दफा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम इज द बिगिनिंग ऑफ सॉल्यूशन, एंड देयरफॉर ये लॉन्चिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ए वेरी बिग इंपॉर्टेंट स्टेप। एंड आई जस्ट शो टुडे, आई अपील दैट यू ऑल्सो डाउनलोड दिस एप समीर, SAMEER, समीर एप विल शो यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन पोल्यूशन इन वेरियस सिटीज, एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज द एरिया गैंजेटिक बेल्ट वेयर देर इज हेवी पोल्यूशन, इट इज रेड मार्क, बट मेनी अदर एरियाज ऑन डेक्कन प्लाटू इज ग्रीन, दो मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली मे हैव द सेम पॉपुलेशन एंड ट्रैफिक एंड मेनी अदर थिंग्स, बट पोल्यूशन डिफर सिटी टू सिटी एंड देर आर डिफरेंट रीजन्स। दिल्ली में एक और भी कारण होता है, पराली जलती है 40 दिन के लिए। लेकिन एक मैं बताना चाहूंगा कि जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो 2016 से ये गिनती शुरू हुई है, तो 2016 में 250 दिन खराब हवा के होते थे दिल्ली NCR परिसर में, आज 180 दिन रह गए हैं, 70 दिन कम हुए, और 70 दिन अच्छी हवा के बढ़े, तो आज लगभग 6 महीने प्रदूषण रहता है, 6 महीने नहीं रहता है, और उसमें 40 दिन ऐसे आते हैं जब पराली भी ऐड करती है। तो ये दिल्ली NCR की समस्या है, यहाँ की भूगोल भी एक विशेष समस्या है।